ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਿਤਿਕਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਬਿਕਰਮ ਅਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ मनप्रीत रेगुलर बेल जी है बिक्रम अजीठिया ने हाई कोर्ट के पाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने तो एफ आई आर जी ड्रग्स केस के उन्होंने खिलाफ दर्ज हुई है उन्होंने दर्ज हुई है उसने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के कि ये एफ आई आर जी है वह पोलिटिकल मोटिवेटेड है तो इसनों रद्द जरा किया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जे तुसी इस तरह की अपील पानी है तुसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पाओ ते सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जी पिटीशन सी उसे सुनवाई नहीं की थी जिसके कारण रेगुलर बेल जी है वह बिक्रम अजीठिया वालों हुण हाई कोर्ट दे विच पाई गई है। हाई कोर्ट दे विच जो रेगुलर बेल पाई जाती है 7 दिन जोड़े ने वो लगते हैं उसे सुनवाई होने लैके पर देखना होगा कोई राहत मिलती है नहीं क्योंकि पहला भी जो बिक्रम अजीठिया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी उन्होंने मोहाली कोर्ट का हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का रुख किया पर कोई बड़ा रिलीफ उन्होंने नहीं मिलिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्होंने कहा था कि तुम मोहाली कोर्ट च सरेंडर करो तो फिलहाल देखना होगा कि हाई कोर्ट के उन्होंने कोई राहत मिलती है या नहीं। जी जानकारी देने लिए शुक्रिया नितिका। सो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया बिक्रम अजीठिया ने जमानत अर्जी जी है दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद अजीठिया ने हाई कोर्ट का रुख किया आने वाले दिनों में इस मामले पर सुनवाई होगी।